ईडी और सीबीआई मोदी जी के दोनों गुंडे बन के रह गए। ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल का हर विभाग में जहां हाथ रखिए वहीं भयानक घोटाला हो रखा है। ये नया मामला नहीं है, जल बोर्ड भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है, तो मुझे लगता है शराब नीति घोटाले से बड़ा मामला आपको जल बोर्ड का मिलेगा। अब ये कहना जो है ठीक नहीं है कि ईडी अपनी डेस्परेशन शो कर रही है। दरअसल ईडी अपनी हरकतों से भारतीय जनता पार्टी की डेस्परेशन शो कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ एक चीज से मतलब है कि किसी ना किसी तरीके से चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दो। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। क्या घोटालों के आरोपों में केजरीवाल बुरी तरह से फंस चुके हैं? क्या आपकी गर्दन तक मुसीबत का पानी पहुंच चुका है? क्या सचमुच अरविंद केजरीवाल वोटिंग से पहले जेल में डाल दिए जाएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि शराब घोटाले के बाद दिल्ली जल बोर्ड घोटाले से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नाम अब जुड़ गए हैं और एक के बाद एक कई समन से उनकी समस्या बढ़ती दिख रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी से राजनीतिक बदला बता रही है, लेकिन इन घोटालों का सच क्या है और इन मामलों में केजरीवाल का किरदार क्या है, आज इसी को समझेंगे। जमानत के बाद भी केजरीवाल को ईडी का समन। जामी शराब घोटाले के बाद जल के जंजाल में फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री। दिल्ली शराब घोटाले में दो दिन पहले बीआरएस की नेता कविता की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में हलचल बढ़ गई थी। केजरीवाल को लेकर तरह तरह की अटकलों से सियासत गर्म होने लगी थी। इसी बीच चुनाव की तारीखों के ऐलान होते ही ईडी के दो समन ने आम आदमी पार्टी के मुखिया की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। तो क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है कि अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट जाते हैं, कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हैं, कोर्ट उन्हें बेल देती है और समन लीगल है कि नहीं है उसको एग्जामिन करना शुरू करती है, लेकिन मोदी जी उसका वेट नहीं कर सकते हैं। मोदी जी इंतजार नहीं कर सकते हैं कि कोर्ट अपना फैसला देगी। उन्होंने शाम को ही अरविंद केजरीवाल जी को दो और समन भिजवा दिए। ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में नवा समन भेजा, वहीं दिल्ली जल बोर्ड स्कैम के मामले में भी समन भेजकर हाजिर होने को कहा। जल बोर्ड घोटाला मामले में ईडी ने केजरीवाल को 18 मार्च के दिन पूछताछ के लिए बुलाया है। ये क्या है? ये कैसी गुंडागर्दी है? आज के दिन पे ईडी और सीबीआई मोदी जी के दोनों गुंडे बन के रह गए हैं। हमने देखा कि किस तरह से, जिस तरह हम बॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं कि बॉम्बे में कोई बड़ा सा डॉन है और उसके दो गुंडे हैं, जो भी उस डॉन का विरोध करता है गुंडे जाके उसके साथ मारपिटाई कर देते हैं, यही ईडी और सीबीआई कर रही है। जो मोदी जी का विरोध करता है ईडी और सीबीआई उसके पीछे पड़ जाती है। आम आदमी पार्टी समन के खिलाफ आवाज उठा रही है और मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है, लेकिन बीजेपी केजरीवाल को भ्रष्टाचारी बता रही है। देखिए, अरविंद केजरीवाल का अब सम्मान नहीं है, अब अरविंद केजरीवाल को सिर्फ समन है। ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल का हर विभाग में जहां हाथ रखिए वहीं भयानक घोटाला हो रखा है। ईडी समन के उल्लंघन मामले में मिली जमानत के बाद नई मुसीबत में फंसे केजरीवाल अब क्या करेंगे? क्या ईडी के सामने वो पेश होंगे या फिर किसी बहाने पूछताछ से दूरी बनाएंगे? इसको समझने से पहले दिल्ली जल बोर्ड घोटाले को समझिए। किस वजह से ईडी ने केजरीवाल को समन भेजा है? केजरीवाल किस मामले में
भूमिका क्या है? स्टेट ऑफ द हेड हैं, दिल्ली सरकार के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं। वैसे तो वो किसी मंत्रालय को अपने पास रखते नहीं है, लेकिन किसी मंत्रालय में उनके बगैर कोई काम हो नहीं सकता है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर हैं। जिसको बुलाया जा रहा है वो गवाह भी हो सकता है ना, तो एक गवाही के रूप में आपको बुलाया जा रहा है। लेकिन अब उससे क्या होना है कि जब कोई व्यक्ति बिल्कुल सामना ही नहीं करना चाहता, तो फिर उससे लगता है कि दाल में कुछ काला है। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले का मामला नया नहीं है। ईडी का केस सीबीआई की एफआईआर और दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच से जुड़ा है। ईडी दिल्ली जल बोर्ड के दो मामलों में कथित भ्रष्टाचार की जांच कर रही है। इस संबंध में जुलाई 2023 में ईडी ने दिल्ली एनसीआर, केरल, चेन्नई में 16 जगहों पर छापेमारी की थी। ये छापेमारी दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी, एनबीसीसी के लोग और कुछ निजी संस्थाओं पर हुई थी। आरोप है दिल्ली जल बोर्ड की टेंडर प्रक्रिया में कई नियमों को ताक पर रखा गया था। करोड़ों करोड़ों रुपए की लूटपाट जल बोर्ड में मचाई गई है पिछले 8-9 सालों में। अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए थे तो जल बोर्ड फायदे का सौदा था, 1200 करोड़ रुपए प्रॉफिट में था। वो तो मेरिट पर पार्टिसिपेट सभी करते हैं, लेकिन ये भी एक खुला सच है, एक ट्रूथ है, कड़वा सच है कि स्टेट हेड जिसको चाहते हैं उसकी तरफ फैसला झुक जाता है। तो इस मामले में मुख्यमंत्री अपने आप को अलग नहीं कर सकते, निर्दोष सिद्ध नहीं कर सकते जब तक की प्रक्रिया न्यायालय पूरी न करे। सवाल है कि जल बोर्ड में घोटाला कैसे हुआ और कितने करोड़ का घपला किया गया। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में बीजेपी का आरोप है कि 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को दो कैटेगरी में बांटा गया। पहली कैटेगरी में केवल अपग्रेडेशन होना था, दूसरी कैटेगरी में क्षमता बढ़ाने का ठेका दिया गया, इसी में सारा खेल कर दिया गया। दूसरी कैटेगरी में क्षमता बढ़ाने का काम होना था, इसके लिए 2022 में दिल्ली जल बोर्ड ने ठेके दिए जिनकी कुल वैल्यू 1938 करोड़ रुपए के आसपास थी, जबकि इसकी अनुमानित लागत सिर्फ 1500 करोड़ रुपए थी। आरोप है कि लाभ लेने के लिए टेंडर की कुल वैल्यू को करीब 30% बढ़ाया गया। 10 प्रोजेक्ट के लिए 10 डीपीआर बननी थी, लेकिन दो ही बनवाई गई और इसे सभी 10 पर लागू कर दिया गया। टेंडर किए गए, कागजों पे काम दिखा दिए गए, ठेकेदारों को पेमेंट हो गई, ठेकेदारों से कमीशन ले ली, 4-4 अधिकारी इनके गिरफ्तार हुए रिश्वत लेते हुए। कौन जवाब देगा? अरविंद केजरीवाल को जवाब देना होगा। उस वक्त दिल्ली जल बोर्ड की ओर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर की इंस्टॉलेशन, सप्लाई और टेस्टिंग का टेंडर जारी किया गया। कंपनी को टेंडर देते समय एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को अनुचित लाभ देने का आरोप है और उसके बदले पैसे लिए गए। एनबीसीसी के महाप्रबंधक वीके मित्तल पर गंभीर आरोप लगे। उस दौरान मित्तल ने एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर को परफॉर्मेंस बेस्ड नकली सर्टिफिकेट जारी करके दिया था। यही नहीं, एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने तत्कालीन चीफ इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा और उसके जूनियर स्टाफ के साथ मिली भगत करके करीब 38 करोड़ रुपए का टेंडर हासिल किया था। दिल्ली जल बोर्ड में कथित घोटाले का यह पहला मामला था। एक तरह से जो टेंडरिंग प्रोसेस है उसको लेकर के आपत्ति आई, सीबीआई ने मामला दर्ज किया और उसमें से बाद में ये संज्ञान में आया एजेंसियों के कि इसमें धनाशोधन हुआ है और इधर से उधर ट्रांजेक्शन हुए हैं कैश। 38 करोड़ का जो पहला टेंडर था उसको लेकर के केस दर्ज हुआ है। अब दिल्ली जल बोर्ड में घोटाले से जुड़े दूसरे मामले को समझिए। जल बोर्ड के बिल पेमेंट के भुगतान के लिए जगह जगह पर ऑटोमेटिक मशीनें लगाई जानी थी। मशीन भी लगाई गई और बिल के भुगतान भी हुए, लेकिन वो पैसा दिल्ली जल बोर्ड के अकाउंट में जमा नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्ट 3 साल के लिए दिया गया था, जिसे बाद में समय समय पर बढ़ाया गया। नोटबंदी के दौरान करीब 10 करोड़ 40 लाख की पेमेंट एक साथ की गई, लेकिन वो भी जल बोर्ड तक नहीं पहुंची। इस मामले में जल बोर्ड को करीब 14 करोड़ 41 लाख का घाटा हुआ। जो अभियुक्त है उसको ये कहने का आधार नहीं है कि सब फर्जी है। फिर इस देश के अंदर एक न्यायपालिका है, न्यायिक तंत्र है, उसमें आप अपनी बात रखिए, कहिए, और न्यायालय अगर आपको मुक्त कर देता है, बरी कर देता है, तो फिर सब ठीक है। इस मामले की जब जांच शुरू हुई तो पूरे खेल में एनबीसीसी के महाप्रबंधक डीके मित्तल, एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने तत्कालीन चीफ इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा और उसके करीबों के चेहरे सामने आए, जिनका संबंध आम आदमी पार्टी के मुखिया से मिला।
इसलिए फरवरी महीने में भी ईडी ने सीएम केजरीवाल के निजी असिस्टेंट विभव कुमार, आम आदमी पार्टी के ट्रेजरर और राज्यसभा सांसद एंडी गुप्ता और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ छापेमारी की थी। दिल्ली जल बोर्ड के सदस्य शलभ कुमार पर भी रेड की गई थी। एजेंसी ने बोर्ड के चीफ इंजीनियर जगदीश अरोड़ा, देखिए मैं इसके इसलिए मैं मानता हूं, मैं कुछ कारण यह है कि सबके अपने अपने जो चीजें होती हैं प्राइम एफएसआई, उसमें अनियमितता ऐसा प्रथम दृष्टया लग रहा है कि पैसा खाया गया है या मतलब फेवरेटिज्म है। अब वो क्या है इस पर देखिए, चूंकि मैटर्स जब सब जुडिस होता है तो हम कोई एक चीज को प्रमाण तो नहीं कह सकते, क्योंकि एक पार्टी एक्यूज करेगी दूसरी पार्टी डिनाई करेगी। सिंपल सी बात है कि इन सब में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है प्रथम दृष्टया कि फेवर किया गया है, पैसा खाया गया है। घोटाला का तो मतलब यही होता है। तो सीधी बात है, यही शराब वाले मामले में है, यही जल बोर्ड वाले मामले में है। ईडी का दावा है कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने फर्जी दस्तावेज सबमिट करके कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था। तो सवाल है कि केजरीवाल इसके लिए जिम्मेदार कैसे हुए? क्या उनकी जानकारी में जालसाजी की गई या लाभ का पैसा उनके पास भी पहुंचा था? हालांकि केजरीवाल की भूमिका अभी तक साबित नहीं हो पाई है, लेकिन आरोप ये भी है कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर ने जांच एजेंसी का दावा है कि अरोड़ा के करीबी लोगों को भी कैश भेजे गए थे। इन्हीं गुत्थियों को सुलझाने के लिए ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। ईडी की तरफ से एक साथ दो समन मिलने के बाद आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई है और ईडी सीबीआई की तुलना गुंडों से कर रही है। टीम केजरीवाल मोदी सरकार पर आरोप लगा रही है कि वो कानून का पालन नहीं करते, लेकिन सवाल है कि लगातार 8 समन के बाद भी केजरीवाल ने ईडी का सामना क्यों नहीं किया? कोर्ट गए लेकिन ईडी के बुलाने पर नहीं। क्या केजरीवाल को गिरफ्तारी का डर है इसलिए ईडी के सामने जाने से बच रहे हैं? चुनाव का माहौल गर्म है। बीजेपी उत्तर से लेकर दक्षिण तक जमीन पर उतरकर प्रचार कर रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन की गांठ अभी तक खुली नहीं है। केजरीवाल पंजाब को छोड़कर दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और गोवा में कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिलाकर मोदी की घेराबंदी करना चाहते हैं, लेकिन ईडी के समन से दिल्ली में ही घिर गए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री बने केजरीवाल को करप्शन के मामले में ही ईडी ने ऐसे मोर्चेबंदी कर दी है कि आम आदमी पार्टी चुनाव प्रचार से ज्यादा केजरीवाल को बचाने में जुटी हुई है और ईडी के एक्शन को राजनीति से जोड़कर पलटवार कर रही है और उन्हें इन्वेस्टिगेशन से, जांच से सच्चाई क्या है ये पता चले इससे कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ एक चीज से मतलब है कि किसी ना किसी तरीके से चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दो। आम आदमी पार्टी का दावा है कि कोई भी घोटाला नहीं हुआ, तो क्या ईडी बेवजह एक के बाद एक समन भेज रही है? क्या मनीष सिसोदिया को बिना कारण के कोर्ट ने जेल में डाल दिया? शराब घोटाला मामले में बिना आधार के बीआरएस की नेता कविता की गिरफ्तारी की गई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।